हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। चलो फिर व्लॉग की कर लेते हैं शुरुआत। और आज है बुधवार 28 तारीख और अभी हुआ है सुबह का टाइम, मतलब सुबह के 10 बज गए हैं और हमारा सारा काम खत्म हो चुका है। और अभी हम नाश्ता ही करने जा रहे थे लेकिन हमारे फ्रूट हो गए हैं खत्म और इसीलिए मैं जाऊंगी अभी फ्रूट लेने। हमारे मतलब पास में मेन रोड पे रेडी लगती है तो उसी से लेके आऊंगी, देखती हूँ क्या क्या फ्रूट है और उसके बाद फिर चाय पानी पियेंगे, पहले फ्रूट खाएंगे। चलो फिर ले आते हैं फ्रूट। और अभी आ गई हूँ मैं फ्रूट लेने और फ्रूट वाले ने आज थोड़ी सी आगे रेडी लगा रखी थी क्योंकि 10 बज गए थे और बहुत तेज धूप हो रखी थी, नहीं तो हमारी गली के सामने ही लगाते हैं तो थोड़ी दूर मेरे को चल के आना पड़ा। आगे पेड़ है तो पेड़ के नीचे इन्होंने छाया में रेडी लगा रखी थी और मेरे को यहाँ से सेब और केले ही मिले तो मैंने यहाँ सेब और केले खरीद लिए हैं। और आते टाइम मैं चली गई थी दुकान पे और दुकान से मैंने कॉफ़ी ली थी, सुमित को कॉफ़ी पीनी थी और कॉफ़ी हो रखी थी ख़त्म। और कॉफ़ी के साथ साथ मैंने दूध लिया था और चलाई वाले लड्डू दिख गए थे मेरे को, अब की बार मैं लेके ही नहीं आई थी चलाई वाले लड्डू तो मैंने यहाँ से चलाई के लड्डू लिए थे। और अभी हो गया है दोपहर का टाइम और अभी मैं बना रही हूँ मखाने और मेवे की बर्फ़ी। और जो सुबह मैं दूध लेके आई थी वो मैंने ऐसे ही रख दिए थे पैकेट फ्रीज में, सिर्फ एक पैकेट खोला था और उसी में से मैंने चाय बना ली थी और बाकी के पैकेट मैंने अभी खोले हैं। तो बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने आधा किलो दूध कढ़ाई में रख दिया और मैं इसको अच्छे से उबालूंगी जब तक ये पाव नहीं रह जाता, मतलब आधी किलो रखा है और इसका पाव नहीं रह जाता, ये गाढ़ा गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक मैं इसको उबालूंगी। और एक साइड में कढ़ाई में मैंने डाल लिए एक कटोरा मखाने और मखानों को भी मैं अच्छे से भून लूँगी और इनको हाथ से ऐसे तोड़ के देख लूँगी, अगर ये अच्छे से टूट रहे हैं तो मतलब ये अच्छे से भून गए हैं। और साइड में जब दूध में एक उबाल आ गया तो मैंने गैस मीडियम करती थी और मीडियम आंच में ये दूध पकता रहेगा। और यहाँ मखाने भी भुन गए हैं, बस अब इनको कटोरे में निकाल लूँगी और इनको ठंडा कर लूँगी थोड़ी देर के लिए और ठंडा करके फिर इनको मिक्सी में पीसूँगी। और जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक मैंने ये लिया है नारियल का बुरद्दा, इसको भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी क्योंकि भूनने से इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है, वैसे ना भूने तब भी सही है लेकिन खुशबू के लिए मैंने थोड़ा सा इसको भून लिया है। और इसको बिल्कुल मतलब सिम गैस पे और बिल्कुल थोड़ी सी देर ही भूनना, नहीं तो ये जल जाएगा, तो मैंने बिल्कुल थोड़ी ही देर इसको भूनना है। और नारियल का बुरद्दा भी मेरा भुन गया है, इसको कढ़ाई को नीचे उतार के मैं थोड़ी देर और चला रही हूँ क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म थी, अगर ऐसे ही छोड़ देती तो ये जल जाता, तो मैंने थोड़ी देर और चलाया था। और ये मखाने भी ठंडे हो गए थे तो मैंने इसको मिक्सी जार में डाल लिया है। और मैंने इनको मखाने को बिल्कुल आटा नहीं होता हमारा, उस आटे जितना पतला इनको पीस लिया है क्योंकि ये अच्छे से भुन गए थे तो आराम से पीस गया, अगर अच्छे से नहीं भुन रहे होते तो ये दरदरा पीसता। और अब मैंने डाल लिए हैं काजू, तो मैंने थोड़े से काजू ले लिए थे और काजूओं का भी मैंने अच्छे से पीस लिया है और बिल्कुल पतला कर लिया है। और अब मैंने ये काजू भी कढ़ाई में डाल दिए हैं, मखाने भी कढ़ाई में डाल दिए और नारियल पाउडर हो गया। अब मैं इसमें थोड़ी सी डाल लूँगी इलायची और इलायची डाल के फिर मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी। और यहाँ मेरा दूध भी आधा रह गया, गाढ़ा हो गया बिल्कुल, जब तक मैंने ये मतलब बर्फ़ी बनाने का सारा सामान तैयार किया तब तक ये दूध भी अच्छे से पक गया था। और अब मैंने इसमें डाल दी है चीनी और चीनी को मैं अच्छे से मिला लूँगी और ये और भी गाढ़ा हो गया है। और फिर मैं जब चीनी अच्छे से मिल गई तब मैंने इसमें डाल दिया एक चम्मच घी, एक चम्मच डेढ़ चम्मच मतलब इतना ही घी डाला है। और घी डाल के भी मैंने इसको थोड़ा मिला लिया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये जो मसाला, ये जो मैंने बनाया है पीस के, ये सारा मसाला इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिला लूँगी। बस ये मिल के ऐसे पक गाढ़ा हो गया था और मैंने प्लेट में लगा लिया है घी और अब इस प्लेट में इसको निकाल लूँगी। बस अब मैं प्लेट में इसको अच्छे से फैला लूँगी और फिर इसके ऊपर डाल दूँगी ड्राई फ्रूट
और इसको 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दूंगी। इसमें इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वैसे भी टाइट ही हो गया था बनाते बनाते ही, तो ठंडा थोड़ा सा ठंडा होते ही इसकी आराम से बर्फ़ी कट जाएंगी। तो सिर्फ मैंने 1 घंटे के लिए इसको पंखे की हवा में रखा था, ऊपर से ड्राई फ्रूट लगा के, और फिर मैंने इसकी बर्फ़ी काट ली थी। एकदम शुद्ध बढ़िया घर की बनी हुई बर्फ़ी, वो भी व्रत के लिए, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी और हेल्दी भी। कितने मखाने तो कितने हेल्दी होते हैं, तो सारी चीज़ें हेल्दी भी हो गई। तो आप भी ट्राई करना, अभी फास्ट चल रहे हैं, जिसने फास्ट रख रखा है। बहुत अच्छी बनी थी बर्फ़ी। तो मैंने और मम्मी ने तो लंच में बर्फ़ी खाई थी, और सुमित के लिए मैंने खाना बना दिया था। हमारा तो लंच ही निगाह हो गया था। आ जाओ आप सब भी खा लो, बन के हो गई है तैयार बर्फ़ी, टेस्टी टेस्टी। टाइट हो गया था अभी, देखो बिल्कुल बढ़िया बर्फ़ी बनी थी। और अभी हो गया शाम का टाइम, और शाम के टाइम आया हुआ है पार्सल वाला। तो सुमित यहाँ पार्सल लेने आए थे, तो पीछे पीछे मैं भी भाग के आ गई। मैं वीडियो बनाऊंगी। और पता नहीं आजकल तो शाम को ही लेट ही आते हैं पार्सल वाले। पहले भी हमारा पार्सल आया था तो बहुत लेट आए थे, पहले तो दिन में आ जाते थे, लेकिन आजकल तो शाम को ही आते हैं। तो यहाँ सुमित ने पार्सल ले लिया, और आज ही बता रहे थे दिन में कि मेरा पार्सल आएगा पार्सल आएगा, ये नहीं बता रहे थे क्या आएगा। और लेके आ गए हैं अंदर पार्सल को, अब खोल लेंगे, देखते हैं क्या निकलेगा इसमें। इतना सस्पेंस बना रखा था ना, कुछ मंगाया है पर ये नहीं बता रहे थे कि क्या मंगाया। अभी देखते हैं क्या आएगा इसका, अभी लगे हुए हैं खोलने में, देखो क्या निकलता है। लो भाई खुल गया है पार्सल, और इन्होंने मंगाई है घड़ी। वैसे घड़ी तो इनको इनके पास पहले भी थी, तो हम बोल रहे थे भी पहले थी तो क्यों मंगाई है, पर इनको वो वाली घड़ी चाहिए थी जिसमें 8 बीट वगैरह चेक होती है और जो फ़ोन से भी कनेक्ट होती है, तो वो वाली घड़ी इन्होंने मंगाई है। और अभी दिखा रहे हैं पहन के, हमने बोला था अभी पहन के तो दिखाओ मंगाई है, तो अभी पहन के दिखा रहे हैं। वैसे अच्छी लग रही थी, बढ़िया लग रही थी ये घड़ी। और ये ही है नहीं है भाई, बस लड़के ही पहन सकते हैं इसको, तो लेडीज़ भी पहन सकती हैं। कभी मैं भी पहन लूँगी, मम्मी भी पहन लेगी, तो हमारे तीनों के काम आ जाएगी ये। वीडियो बनाओ इतनी पास पास में होकर फोन मिला रही है। घड़ी में बोल रहे थे आज, नहीं नहीं घड़ी मिल गई ना, तो उसका यूज कर कर देख रहे हैं। सही पकड़े हैं। तो आज सुमित को नई नई घड़ी मिली है, तो लेट गए अपने पूरे घड़ी के सारे फीचर चेक कर रहे थे और उसको फ़ोन से कनेक्ट करके, और मम्मी के पास ही फ़ोन मिला रखा था। मम्मी बिल्कुल पास में बैठी थी, फिर भी मतलब फ़ोन से ही बातें कर रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ उनकी वीडियो बना ली। और अभी लग गई मैं रात का खाना बनाने, और खाना बनाने में मैं थोड़ी लेट ही हो गई थी, क्योंकि हमने चाय के टाइम बना लिया था बनाना शेक, और फिर चाय हमने लेट पी थी, और जब चाय लेट पी थी तो हमें शाम के टाइम फिर भूख ही नहीं लग रही थी। और कुछ टाइम तो उसमें भी लग गया, सुमित ये बोला कुछ टेस्टी सा बना ले टेस्टी सा बना ले, और टेस्टी सा क्या बना लूँ, टेस्टी का कुछ नाम तो होता होगा, तो यही सोचने में भी क्या बनाए, तो यही सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो फिर मैंने सुमित के लिए तो बनाई थी आलू गोभी की सब्जी, और हमारे लिए मैंने 5 बजे के आसपास ही साबूदाना भिगो दिया था, तो साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी। पहले तो मैं कुट्टू के आटे की पूरी बनाने की सोच रही थी, कुट्टू के आटे या साबूदाने की पूरी। फिर मम्मी बोली मेरे को तो खिचड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है साबूदाने की, तो मैंने साबूदाना भिगो दिया था, और मैंने सोचा भी चलो कल दोपहर में बना लूँगी पूरी, तो क्योंकि रात को हैवी भी हो जाती है पूरी, तो पूरी मैं कल बना लूँगी। तो आज मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई है, और खिचड़ी हमारी बन के हो गई थी तैयार। तो और सुमित की सब्जी भी बन गई थी, तो मैंने पहले मैंने और मम्मी ने खिचड़ी खा ली थी, और सुमित की रोटी बनाई थी मैंने बाद में, और यहाँ मैंने सुमित के लिए रोटी बना दी है, और सुमित लगे हुए हैं खाने, और मैं लगी हुई हूँ किचन की सफाई करने। बस मैंने किचन की सफाई करके और फिर सारे बर्तन साफ कर दिए थे, और मेरा काम हो गया था ख़त्म। और सुमित को देख लो यहाँ खाना खाते खाते भी टीवी देख रहे हैं, यह आदत नहीं छूटेगी। और खाना बनाने से पहले भी हमने तीनों ने बैठ के एक मूवी देखी थी, बबली बाउंसर, हरियाणा की एक लड़की के ऊपर है जो बाउंसर होती है,
बहुत अच्छी मूवी थी तो वही देखी थी, और उसके बाद में खाना बनाने लगी थी। चलो फिर इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो देखते रहना। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, और जो आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो उनको भी पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना और हमारी वीडियो देखते रहना। चलो फिर बाय बाय।